आप सबरो एक बार फिर स्वागत है अपना YouTube चैनल पर। आज री क्लास अपनी है कक्षा 12 री ठोस अवस्था। तकनीकी व्यवधान के कारण बा क्लास जी लास्ट में हुई बा थोड़ो सो बीच के माय नहीं अपना टॉपिक रुको, बट ऐसो ही आप वापस स्टार्ट कर सा ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में आप पढ़ रहा के द्विविम निबिड़ संकुलन और त्रिविम निबिड़ संकुलन आप क्या प्राप्त कर सका। अब ये भी कणा की व्यवस्था भी के मायने क्या हुआ है? तो देखो आपनों टॉपिक हो द्विविम निबिड़ संकुलन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स से त्रिविम निबिड़ संकुलन। वो है द्विविम निबिड़ संकुलन और त्रिविम निबिड़ संकुलन। अभी का मायने आप पहली देखा एक तो द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन सो त्रिविम निबिड़ संकुलन। इकी बात अपना पहली कर चुका, फिर दोहरा दू मैं कि एक मायने जगह अव्यवीकरण है अपनों जगह एक विमीय निबिड़ संकुलन हो बी की एक पंक्ति बीसवीं सटार बी के साथ में दूसरी पंक्ति ये सेकंड लेयर बीहू सटार आपने तीसरी पंक्ति तो वो तो वो अपनो द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन। अब यान की यान की एक ट्रे आ ट्रे बन गई। देखो आपने जी अंडा वाली टोकरी आवे बयान की आवे एक ऊपर बिया की बिया एक दूसरी और रख दो बी का फेर एक ऊपर और रख दो तो ओ जैसी ओ एक्स एक्सिस ओ अपनो वाई एक्सिस तो वो तो द्विम एक ऊपर और रख दे से मोटाई भी बढ़ सी है लंबाई बढ़ रही है चौड़ाई बढ़ रही है मोटाई या ऊंचाई भी बढ़ सी तो वो जाए त्रिविम निबिड़ संकुलन। अब इन की यान की सेम टू सेम परतं जकी है अपना लेयर जकी है बा एक ऊपर रख दो एक दो तीन चार रखता चले जाओ तो वो अव्यवीकरण जो है ये नीचे भी अव्यवीकरण जैसी और ऊपर भी अव्यवीकरण आ जैसी त्रिविम के मायने तो ये अव्यवीकरण के संपर्क में फेर हो जैसी कता चार तो भी तलाड़ा सेम प्लेन जगह पार्टिकल्स है अव्यवीकरण है वह भी तलाड़ा भी के साथ हो जैसी चार जुड़ेड़ा है डायरेक्ट टच में और एक अव्यवीकरणी के ऊपर आ जैसी एक ही के नीचे आ जैसी त्रिविम में तो टोटल छः अव्यवीकरण के संपर्क में रहसी और छः अव्यवीकरण तो समन्वय संख्या हो जाएगी की गति एक ही समन्वय संख्या अपना जैसी छः वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या है कि एक अव्यवीकरण के संपर्क में कुल कता अव्यवीकरण मौजूद है तो बाबी की समन्वय संख्या कहलावे तो त्रिविम वर्ग निबिड़ संकुलन। एक मायने एक अव्यवीकरण ओ ए है तो एक ऊपर दूसरो ऐसी वो भी ए टाइप को उसी मतलब लेयर एक समान रहसी यान की लेयर ही ऊपर की ऊपर पुनरावृत उसी होती रहसी जहाँ अंडा की टोकरी अपना रखता जावा तो जटे जो खांचो बनेड़ो है बटे दूसरो खांचो ऐसी तो यदि पहलो अव्यवीकरण ओ ए है तो एक ऊपर आबड़ो भी ए उसी आगलो भी ए उसी तो इन कवा त्रिविम वर्ग निबिड़ संकुलन कौन सो टाइप को ए ए ए त्रिविम वर्ग निबिड़ संकुलन भी कह देवा। एक ही संकुलन क्षमता कमी हुए 52% 52.4% समन्वय संख्या तो हुआ 6 समन्वय संख्या तो कहीं हुआ का अव्यवीकरण एक के संपर्क में डायरेक्ट कता है जुड़ेड़ा वो तो हुआ समन्वय संख्या
संकुलन क्षमता के कुल उपलब्ध स्थान में शू अवयवी कण कतो घेर राख्यो है। या कमरा के मायने कमरा को टोटल आयतन है भी मु एक गेंद अपन रख दिया वो कतो आयतन घेरियो वो कहलावे संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी। तो बाई गया आवे कम ही आवे 52.4%। फिर आपने दूसरा टाइप को है बी द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन और त्रिविम निबिड़ संकुलन। अब आपन कन दूसरी चीज ही बी द्विविम टू डाइमेंशनल षटकोणीय निबिड़ संकुलन से आप बनासियां त्रिविम निबिड़ संकुलन। द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP क्लोज पैकिंग। से त्रिविम थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग वह क्या प्राप्त करा तो अपन गन 2D और 3D में जानू अपन एक अंदर अपन पहले तो बनावा षटकोणीय द्विविम निबिड़ संकुलन। षटकोणीय पहली लेयर रख दी दूसरी लेयर की रख से आप पहली लेयर का गर्तों का मायन है जका ना आप खांचा कह सका गर्त कह सका वॉइड्स कह सका अंग्रेजी का मायन है वहां रख से रख दिया। फिर आप आगे भी आई प्रक्रिया अपनाता हुआ आगे बढ़ से वो एक तरीका हूँ दोहरानी है पिछली क्लास में आप कर चुके आए अठा तक तो लेकिन वो बीच में ही स्टॉप हो लाइट में व्यवधान के कारण। वो है टू डाइमेंशनल HCP षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब वो षटकोणीय किया है वह तो बात आप कर चुके हैं कि कोई भी बीच वालों अवयवी कण बी के संपर्क के मायने टोटल देखो कितना अवयवी कण है छह अवयवी कण मिल रहे हैं क्या बना लिया है षटकोण बना लिए तो एक ही समन्वय संख्या तो आप आ रही है छह और ओहो आपनों कौन सो द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन समन्वय संख्या बोर्ड एग्जाम को सवाल इमो आयड़ो भी है कि वर्ग निबिड़ संकुलन को चित्रित कीजिए तो वर्ग निबिड़ संकुलन आप पीछे पढ़ चुके अब बातों बात हुई द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन की इसको आप प्राप्त करांगा त्रिविम निबिड़ संकुलन। अब द्विविम में तो आप रख दिया अवयवी गण हालांकि ई के मायने कोई यहाँ को चित्र बना वालों सवाल को नहीं आवे। अब अपन गण दो टाइप का वॉइड्स है जका के मायने एक तो है ऊपर की तरफ मुंह करेड़ा गर्त जका ने आप कहवा ऊर्ध्वमुखी और एक है अधोमुखी। तो आप एक तरीका का गर्त न ढक दे दूसरा टाइप को गर्त जो है वो खाली रहे जैसी यदि आप ऊर्ध्वमुखी न ढक दे जना तो अधोमुखी रह जैसी और अधोमुखी न ढक दे जना ऊर्ध्वमुखी रह जैसी। तो देखो एक बार आप ऊर्ध्वमुखी जगह गर्त दिखाई दे रहा है बन ढक दें बंग ऊपर अवयवी कण की दूसरी परत काई कर दिया रख देशे रख दिया। फिर आगे भी वो ही कंटिन्यू बांका दूसरी परत का जगह गर्त बनया है भी कम आए ना दूसरी लेयर रखता जाओ थे रख दिया
और दूसरी लेयर, फिर गर्त में रख दिया। अब देखो एक टाइप को गर्त तो ढकीस गो, वो गर्त के ऊपर तो लेयर आएगी, तो कॉपी में कर दे सो खुद तो बात समझ में आ जाएगी, यहाँ करके देख जो। लेकिन ए टाइप का जो गर्त है, ए जगह गर्त है, बाकी बात अपन कर चुके अनखा अपन टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय गर्त। क्यों? क्योंकि चतुष्फलक में भी चार अवयवी कण हुए, चार एटम हुए, और एक मायने में भी आपने चार ही संपर्क में, एक गर्त के संपर्क में चार अवयवी कण है, जगह मिलर का ही मना ले एक चतुष्फलक को निर्माण करे। चतुष्फलक में जहाँ कार्बन की ये स्ट्रक्चर जो है मेथेन की, वो चतुष्फलकीय है, एक मायने कार्बन तो यदि अपना गर्त मान लिया तो यह चार हाइड्रोजन जगह है वह एटमान बतावे तो एक आकृति चतुष्फलकीय हो जाएगी। तो ये तो बात हुई इकी। अब आ गर्ता के मायने अपना जब अवयवी कण रख दिया तो ए आला गर्त जगह है वो खाली रहेगा। अब देखो गर्त भी दो टाइप का बनगा, एक गर्त वह है जगह के संपर्क में चार अवयवी कण है तो ई टाइप की स्ट्रक्चर है, और ई टाइप की स्ट्रक्चर के मायने ई गर्त के ऊपर एक अवयवी कण रखेड़ो यहाँ, तो वो जो गर्त है वो है टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय। फिर अपा आवा ए दूसरी टाइप का गर्त है जका अपा छोड़ दिया, जका ने रखा को नहीं, जका वो मुंडो नीचे की तरफ है अधोमुखी जका ने कहवा वाइड सपा बे, और बांका संपर्क में देखो छह अवयवी कण है। कौन की टाइप का ओसो भी अपन ले लिया तो देखो ई टाइप का है, ई टाइप छह संपर्क में है एक गर्त के तो वो जैसी अष्टफलकीय गर्त, इन कहवा आपा ओक्टाहेड्रल ओसू दर्शवा। तो आ तो ही पहली दूसरी लेयर और चतुष्फलकीय अष्टफलकीय गर्तां की बात। अब आपा तीसरी लेयर रखा, दूसरी लेयर तो आपा रख दी, तीसरी लेयर आपा जब रखा तो आपन गन दो तरीका है। आपा यदि दूसरी लेयर का चतुष्फलकीय गर्त आपा जगह गुलाबी कलर हो दूसरी लेयर बनाई बी का चतुष्फलकीय गर्त, मतलब जगह के संपर्क में चार अवयवी कण है गर्त, तो जहाँ वो अपन दिख रहा है एक नीचे की तरफ एक है तीन ऊपर की तरफ है तीन और एक चार संपर्क में, इस पर अपन यदि अवयवी कण रख दें तो अपन पहली परत की पुनरावृत्ति कर दें। यदि ई गर्त पर अपन रख सें तो पहली परत वापस रिपीट हो जाएगी। तो पहली परत यदि ए है, दूसरी परत बी है, तीसरी ए हो जाएगी, चौथी बी ए बी ए बी टाइप का त्रिविमीय षटकोणीय निबिड संकुलन कहलाएगा, इसको कहते हैं एच सी पी थ्री डी। अब इके मायने समन्वय संख्या कितनी हुई, कोऑर्डिनेशन नंबर कितो हो, तो समन्वय संख्या होगी द्विविम षटकोणीय निबिड संकुलन का मायने समन्वय संख्या हुआ है छः एक अवयवी कण की, यानी एक तो खुद उगोर भी के चारी मेर छः अवयवी कण डायरेक्ट टच में हुए तो छः तो वह होगा। अब छः मुँह तीन ऊपर की साइड का टच में रेशी डायरेक्ट भी अवयवी कण के और तीन ही नीचे का, तो छः तीन नौ और तीन बारह, तो समन्वय संख्या जैसी की बारह। और संकुलन क्षमता आप आगे निकाल सें कि संकुलन क्षमता उच्च हुए भी हैं और संकुलन क्षमता हुआ है एच सी पी थ्री डी की 74%। वो कई बार सवाल आएगा एच सी पी थ्री डी षटकोणीय त्रिविमीय निबिड संकुलन की समन्वय संख्या होती है 12, और इसकी संकुलन क्षमता की कुल उपलब्ध स्थान को अवयवी कण कतो घेर रखा है वह हुआ है 74%। अब आप आगे चला दूसरो, आ तो होगी ए बी टाइप का पैटर्न, वो पायो जाए मैग्नीशियम हुयो जिंक हुयो बंक मायना। अब अपन गन तीसरी लेयर रखवा को एक और जगह है, यदि आप दूसरी लेयर का चतुष्फलकीय
वर्ड्स के मायने यदि ले रखा तो वो ए बी टाइप को बन जाए। यदि आप जो पहली दूसरी परत का जगह अष्टफल की गर्त है बाकी मायने यदि अव्यवी कण रखा ये तो न तो पहली परत रिपीट हुए, देखो कोई सी के ऊपर ही टच कौन करो नहीं हुई अव्यवी कण आ रहे नहीं लाइन, तो न तो पहली परत रिपीट हुए न दूसरी परत रिपीट हुए, एक नई लेयर बन रही है। रखनो अपन अष्टफल की करता के ऊपर देखांगे छह अव्यवी कण संपर्क में, ये कोई सी लेयर ने पुनरावृत को नहीं करे। तो पहली लेयर अपनी ए है, दूसरी लेयर बी है, तो तीसरी लेयर सी होगी। पहली लेयर ए वाइट वाली, फिर दूसरी लेयर बी गुलाबी, तीसरी जो आपको ब्लू दिखाई दे रही है वो है अपनी तीसरी लेयर। तो पहली लेयर ए, दूसरी बी, सी, तीन लेयर रखी जब तक कोई कण जो है अव्यवी कण पार्टिकल जो है वो रिपीट को नहीं कर रहे हो। अब आपा चौथी लेयर रखा, चौथी लेयर जब आपा रखा तो चौथी लेयर रखबा के बाद में पहली परत कुन्ने यानी दोबारा रिपीट उसी। अब वो पहली परत जो की है रिपीट कद उसी जब अव्यवी कणा ने अपा घटे रखिया, अपा तीसरी लेयर का जगह गर्त बनया है, तीसरी लेयर का गर्त जगह बनया है, इसके अलावा दूसरी परत और तीसरी परत का जगह अष्टफल की गर्त है बाकी मायने यदि जी मैं अठे रख दूँ तो अठे रखता ही अपनी आप पहली परत जो की है आप पुनरावृत हो जैसी इक ऊपर जाता ही राउंड पहली परत के ऊपर ही आ रहे ठीक है। अपन पहली परत रखी तो अष्टफल की रिक्तियों में अब आप आ चीज़ क्लियर करेंगे खटे रखा जब आपने वो रिपीट हुए तो HCP3D देखिए आप पहली पढ़ चुके बी के मायने दूसरी परत की चतुष्फल की है, दूसरी की परत ही दूसरी परत की चतुष्फल की है रिक्तियां बाक मायने यदि आप रख दें तो आपने मने ए बी यानी आप घटे सी रखा जद ए बी टाइप को त्रिविमीय निबिड़ संकुलन मिले। और आप जब अष्टफल की रिक्तियां बाक मायने रखा दूसरी पहली लेयर की अष्टफल की रिक्तियां दूसरी और तीसरी लेयर की परत की अष्टफल की रिक्तियां के मायने अपन तीसरी लेयर रखा तो न तो पहली परत आवे दोबारा रिपीट कोई सी को नहीं हुआ, पहली परत ना अपन एक हाँ दूसरी ने बीर तीसरी ने सीखा तो ओ जैसी ए बी सी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन इन एक और कह CCP या FCC समन्वय संख्या एक ही भी 12 ही हुए और संकुलन क्षमता इसकी 74%। अब चौथी लेयर कटे रखी तो चौथी लेयर आप रखी दूसरी और तीसरी परत का अष्टफलकीय गर्त के माय अष्टफलकीय गर्तां के माय रख दिया जना आपने वापस पहली परत रिपीट हो जाए चौथी परत रखा जद तो ओ वो ए बी सी टाइप को त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जगह ने CCP या FCC फलक केंद्रित त्रिविमीय निबिड़ संकुलन भी कहवा समन्वय संख्या 12 और संकुलन क्षमता 74% हुआ दुनिया की त्रिविमीय की HCP की और CCP या FCC की। तो आ तो बात हुई द्विविमीय हूँ आपने त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की
केवल सवाल आपने याद रखना है, बाकी वो डायग्राम त्रिविमीय को बोर्ड पर बनाना थोड़ा मुश्किल है। यदि आपने अलग अलग कलर है तो आप आसानी से देख सका, यदि एक ही कलर है तो फिर आपन पार कोनी पड़े। अब अवयवी कणा की संख्या, अवयवी कणों की संख्या किस आधार पर गणित या रिक्तियों की, सॉरी रिक्तियों की संख्या किस आधार पर अवयवी गणों की संख्या के आधार पर, ये आगे काम में आएगा अपने। अब यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण यदि n है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होगी voids, tetrahedral voids, चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी 2n और अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी 2n रिक्तियों की संख्या। ये फिलहाल अपने को याद रखना है। हालांकि इसमें अपन ज्ञात भी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ है वो अष्टफलकीय रिक्तियां और चतुष्फलकीय रिक्तियां, लेकिन वो हायर क्लासेस का मामला है, जब बड़ी क्लासों के लिए अपन बात करेंगे तब वहाँ देखेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी गणों की संख्या यदि n है तो चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या हो जाएगी 2n और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या हो जाएगी n। अब इस पर आधारित कुछ सवाल भी होंगे आगे, उनको अपन अगली क्लास में देखेंगे। इसके अलावा संकुलन क्षमता क्या होती है, CCP FCC की संकुलन क्षमता कितनी है, BCC कितनी है, और सिंपल क्यूबिक जिसमें अवयवी कण केवल कॉर्नर्स पर उपस्थित होते हैं उनकी कितनी है, वो अपन अगली क्लास के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।